मेरे पहले अभी सीनियर्स ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में, योगा के सर ने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। नाउ अब मैं कवर करूंगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो किसी भी क्रोनिक इलनेस में आ सकता है। तो अपन क्वालिटी ऑफ लाइफ जानेंगे कि एक पेशेंट का अगर कोई भी क्रोनिक इलनेस डायग्नोस होती है तो उसका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब उसको क्या एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। मेरा लेक्चर उन लोग के लिए, सबसे पहले एक चीज ऑफ रिकॉर्ड एक बात बोलना चाहूंगा, लास्ट बेंच में काफी अच्छा अनुभव होता है लेक्चर सुनने का। मेरा लेक्चर ये सबसे पहले उन लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा जिसके फैमिली मेंबर्स अगर कोई क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहे हो, या तो कोई खुद क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहा हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, कोई वॉलंटियर के लिए, या तो कुछ व्यक्ति जो एक्चुअली में वो जानना चाहती कि क्या सफर करता है जिसको अगर क्रोनिक इलनेस हो जाए। नेक्स्ट लाइन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है अगर हम सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, साइन सिम्टम्स उनको बताते हैं, तो एक कोई बड़ी बीमारी के बारे में अगर आपको कोई डायग्नोस होता है तो सबसे पहले रिएक्शन होती है डिनायल। सबसे पहले पेशेंट क्या बोलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो सकता है। दूसरे में उसको गुस्सा आता है, भगवान पे गुस्सा आता है, डॉक्टर्स पे गुस्सा आता है कि इतना बड़ा डायग्नोसिस मुझे क्यों दे दिया। तीसरे में वो बार्गेनिंग करता है, डॉक्टर से बार्गेनिंग करता है कि डॉक्टर आप चाहे कितने भी पैसे ले लीजिए और मुझे सही कर दीजिए। भगवान से बार्गेनिंग करता है, मैं भगवान आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे सही कर दीजिए। डिप्रेशन का फेस काफी लंबा चलता है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि पूरा उदास रहने लगता है। इसके आगे की स्लाइड में आपको डिप्रेशन के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। फिर आखिरी में जाके वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है, नाउ मुझे उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, डॉक्टर से अच्छे से इलाज लेना है। मेरा जो लेक्चर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, एक WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की। हेल्दी होना क्या है, एक फिजिकली और मेंटली फिट होना होता है, पूरा ओवरऑल हेल्दी होना। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना सेटिस्फाई है अपनी लाइफ को लेकर। कोई भी अगर डायग्नोस होता है अपना क्रोनिक इलनेस तो सबसे पहले जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो होती है एंग्जाइटी आ जाती है लाइफ में, डिप्रेशन आ जाता है लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आती, दिन भर उदास लगता है, इंसोम्निया हो जाता है। तो ये पूरा एक उस ड्यूरेशन में चलता रहता है। तो इसको कैसे हटाया जाए, ये कुछ मैं कॉमन सिम्टम्स आपके देखिए, ये इमेज है, इसमें आप देखेंगे हेल्पलेस लगता है कि मेरी स्थिति जो एट प्रेजेंट है वो कभी जाके सही नहीं होगी। गिल्ट फीलिंग आता है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। गुस्सा आता है, एनर्जी लॉस लगती है। आगे की स्लाइड में आपको हिंदी में काफी अच्छे से बताया गया है। आगे बढ़ते, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में पूरे दिन भर उदास लगता है। सुबह सुबह जैसे अपन उठते हैं तो एकदम फ्रेश नहीं लगता, सुबह उठने के बाद एक भार सा छाया रहता है, दिन भर क्या करेंगे, लोग अकेले बैठने लगते हैं, कहीं स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, जॉब जाने में आनाकानी करते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते, कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। अगर एक दिन या दो दिन के लिए हो रहा है ये, तो ये डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर ये 14 दिन तक ये कंटिन्यूअस रहे तब ICD के अकॉर्डिंग हम इसको डायग्नोस कर देते हैं कि ये डिप्रेशन से ग्रसित है व्यक्ति। आगे की तरफ एक ये एंग्जाइटी भी काफी आजकल युवाओं में देखने को मिली है और ये एक क्रोनिक इलनेस में भी काफी देखने को आती है। इसमें क्या होता है, दिन भर एक अपनी बीमारी के बारे में वो लोग सोचते रहते हैं कि मेरी स्थिति अभी जो है ये कैसे सही होगी। एकदम मुंह सूखने लगता है उनका, पाल्पिटेशन होने लगता है। पाल्पिटेशन का मतलब एकदम से हार्ट बीट एकदम आपकी तेज हो जाती है, दिन भर वो तेज रहती है, दिन भर उनको एक एंग्जाइटी छाई रहती है। तो ये सारे फीचर्स जो है एक एंग्जाइटी के, चक्कर आने लगता है, ज्यादा पसीना आने लगता है, कमजोरी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, पाचन की समस्याएं होती है, डाइजेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे वो फील करते हैं वो कि एकदम से सांस नहीं आ रही, तो फिर वो खिड़की के पास जाके एकदम खिड़की खोल के सांस लेते हैं। तो ये काफी एंग्जाइटी के पेशेंट्स में देखा गया है। आगे इसलिए अदर जो बीमारियां हैं जो एक क्रोनिक इलनेस में, क्रोनिक इलनेस जो भी हो, कैंसर हो सकता है,
कोई भी अप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बहुत लंबे समय तक इलाज की जरूरत है, तो उसके बारे में। इसमें इंसोमनिया का काफी प्रॉब्लम आता है। इंसोमनिया मतलब आपको नींद नहीं आ रही है, आप 11 बजे तक घड़ी देख रहे हैं कि 11 बज गए, 12 बज गए, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप सोने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज होती है कि आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है। स्लीप हाइजीन क्या होता है कि आप जिस स्थान पे आप सो रहे हैं वहां पे एक आप घड़ी अवॉइड कीजिए, आप मोबाइल मत रखिए, थोड़ी सा लाइट फूड खाइए रात में सोते समय और लाइट कपड़े पहनिए। ये पूरा एक ओवरऑल एक स्लीप हाइजीन का है। ये आपको आप सर्च इंजन में आप सर्च करेंगे तो आपको काफी 10 पॉइंट्स उसमें इजीली मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। दूसरा है एक फ्रस्ट्रेशन छा रहता है कि दिन भर एक चिड़चिड़पना महसूस करते हैं। ये चिड़चिड़पना पेशेंट्स में भी हो सकता है और केयर गिवर जो मतलब उसका इलाज करने के लिए साथ में आते हैं उनमें भी हो सकता है कि बार बार इलाज लेना पड़ रहा है। तो इनका जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको पेशेंट्स का और उनके जो केयर गिवर है दोनों का करना पड़ेगा। हाउ टू कोप अप, आप इसको कैसे मैनेज करें, अगर आप कोई भी क्रोनिक इलनेस से हैं तो आपको है तो आप कैसे कोप अप करें उसके साथ। फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन पॉजिटिविटी। आपकी जो एट प्रेजेंट की लाइफ है उसमें क्या क्या पॉजिटिव है, आपके पास फैमिली है, आपको आपका एजुकेशन अच्छा है, तो आप उस पर फोकस करें, ना कि आप दिन भर उस बीमारी के बारे में सोचते रहें कि मुझे ये वाली बीमारी है, मुझे ये वाली बीमारी है। इससे क्या होगा, मैं कई बार जो पेशेंट ऐसे बोलता है कि सर मैं तो क्रोनिक इलनेस से हूं और आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ मैं फोकस करूं, कैसे करूं मैं फोकस। मैंने उसको यही समझाता हूं कि अगर आप डिजीज की तरफ हरदम फोकस करते रहेंगे तो फिर जो आपकी इम्यूनिटी है लगातार वीक होती जाएगी और जो आपको करंट आपका ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से नहीं लगेगा। तो आपको एक पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए। साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अच्छी बनी रहेगी और इंक्रीज होगी और आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें भी काफी फायदा होगा। दूसरा है सपोर्ट ग्रुप। अगर ये सपोर्ट ग्रुप डॉक्टर्स जिनके पास बहुत सारे एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आते हैं वो ग्रुप बना सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट का, करीबन 15 से 20 पेशेंट वो वीकली मिल सकते हैं या तो 15 दिन में एक बार मिल सकते हैं और अपने आप डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे ये फेस करना पड़ता है। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को मतलब ग्रुप में बैठ जाएगा। एनोनिमस अल्कोहल एनोनिमस एक चीज होती है जिसमें अल्कोहलिक्स एक साथ बैठते हैं कि अब बताते हैं कि मुझे कैसे छोड़ना है अल्कोहल उसके बारे में, वैसे ही एक ये सपोर्ट सिस्टम हो सकता है और मॉडरेटर इसमें डॉक्टर रहेगा। थर्ड पॉइंट है हॉनेस्ट टू अबाउट हाउ यू फील। जैसा भी आप फील करते हैं, अगर आपको एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसको शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम घुट घुट के जीते रहे। फोर्थ पॉइंट इज मेक टाइम फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। यस, इट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर भगवान से जुड़ते हैं, आप प्रेयर करते हैं तो आपको एक शांति मिलती है और ये भी एक साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है। फिफ्थ पॉइंट इज लिव इन द मोमेंट। आपको एट प्रेजेंट में फोकस करना है, आपको ये नहीं सोचते रहना है कि मुझे ये बीमारी है। आप थोड़ी सा उसको हट के सोचिए और ये आपको सोचना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको ट्रीटमेंट में ज्यादा फायदा मिलेगा। नो योर इलनेस। यस, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है, नो योर इलनेस का आप साइन और सिम्टम्स, मेरे को ये सिम्टम्स आ रहा है, आप डायरेक्टली सर्च इंजन में जाके सर्च करते हैं और उसमें बहुत तरह की गलत इंफॉर्मेशन भी रहती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सर्च करना है एक ऑथेंटिक आर्टिकल से, आपको देखना है हेमेटोलॉजी का अगर कोई जर्नल हो उसमें आपको सर्च करना है। आपको डायरेक्टली सर्च इंजन में जाके सर्च करेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी दी है। आप एक बार सर्च करके अगर आपने तो देखा ही होगा, अगर आप पल्पिटेशन उसमें सर्च करेंगे इंक्रीज हार्ट रेट तो उसमें डायरेक्टली ये लिखा रहेगा आपको हार्ट अटैक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब एकदम से फियर और एकदम स्टार्ट हो जाएगा आपको। म्यूजिक थेरेपी, यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। म्यूजिक थेरेपी में आप मॉर्निंग में 1 आवर कोई भी शांत म्यूजिक सुन सकते हैं। हिप हॉप मत सुनिएगा, शांत म्यूजिक सुनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, उससे आपका एंग्जाइटी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड, लास्ट पॉइंट, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है, हमारी फैमिली, हमारे क्लोज वंस जो रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स, इनके इनसे आप पूरा शेयर कर सकते हैं। ये पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ पॉइंट,
इसे आप पूरा शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे कि आप बताएं उनको कि मैं ये ऐसा फील करता हूं, मुझे अभी उदास लग रहा है, मुझे अभी एंजाइटी लग रही है, तो इससे काफी अच्छा आपको हेल्प मिल सकता है। Why all this is important? मैं इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग कई लोग बोलेंगे कि मुझे क्रोनिक इलनेस है और आप कैसा लेक्चर दे रहे हैं कि मतलब आप पॉजिटिव बने रहिए, ऐसे कैसे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अगेन बोल रहा हूं कोई ऑप्शन नहीं, आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? टू डिक्रीज सफरिंग ऑफ डिजीज। आपको इलनेस है, आपको उसकी सफरिंग कैसे कम करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं, आपको करनी ही है। टू इंक्रीज होपफुलनेस, आप अगर होपफुल बने रहेंगे तो आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ये भी आपको लाइफ में होपफुल होना ही पड़ेगा। फॉर बेटर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, अगेन इम्यूनिटी इज द फैक्टर। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी बनी रहेगी और ये हैप्पीनेस से काफी अच्छा रहता है। साइकेट्रिक काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ पेशेंट एंड देयर रिलेटिव टू फाइट विद इलनेस। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी पेशेंट, अगर कोई भी क्रोनिक इलनेस का पेशेंट है, तो उसका साइकेट्रिक इवेल्युएशन, उसके फैमिली मेंबर का साइकेट्रिक इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फाइट करने के लिए उस डिजीज के साथ, क्योंकि ये लंबी फाइट है। ऐसा नहीं है कि एक दो मंथ की फाइट है आप उसके बाद सही हो जाएंगे, ये लंबी फाइट है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा, तो इनका इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फोटो है अप्लास्टिक एनीमिया वॉरियर की, जैसे आपने, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आपने मरीज के बारे में तो बताया कि वो कैसे ध्यान रखें उसका खुद का, वो अपने परिवार से डिस्कस करें, पर जिस मरीज को हो जाता है उसके परिवार वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो क्या करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी भी क्रोनिक इलनेस जिसका बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके परिवार वालों में काफी स्टडी हुई है। एक WHO की स्केल होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ब्रीफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की, हमने लगा के देखी है बहुत लोगों पे। तो मरीज के साथ साथ जो एंजाइटी डिप्रेशन है काफी बहुत बार केयर गिवर्स में भी देखने को मिला है, तो उनकी काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि एक योगा थेरेपी आप ले सकते हैं, और अगर आपको वैसा सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन एंजाइटी के, तो उसका साइकेट्रिक इवेल्युएशन करें। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिसिन ही चलाई जाए, कई बार आपको साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपकी सोच में परिवर्तन करने की एक काउंसलिंग सेशन भी स्टार्ट किया जाता है, तो उससे काफी आराम मिलता है। Any other question?